नमस्कार, गणपति बापा मोरिया हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनन्या परी चतुर्वेदी और गणेश उत्सव की आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। पहले तो बात करेंगे आज इस खास कार्यक्रम में कैसे आप भगवान गणेश की पूजा कर सकते हैं, कैसे आपको फल मिलता है और साथ ही किन बातों का आपको इस गणेश उत्सव में ध्यान रखना होता है। तो हमारे साथ ये सभी बातें बताने के लिए स्टूडियो में मौजूद है पंडित विनोद गौतम जी। बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। और सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि गणेश उत्सव का आखिर अर्थ क्या है, साथ ही क्या महत्व है? चूंकि ये 10 दिवसीय गणेश उत्सव होता है और गणेश जी का जो चतुर्थी से लेकर के अनंत चतुर्दशी तक पूजन अर्चना, विशेषकर लगभग गली गली पंडालों में मब्बा के मूर्तियों को सभी प्रकार से भोग अर्पण करके और उनके अनेक प्रकार से उनको संगीत से, हर प्रकार से उनको व्यंजन से, नृत्य से, सभी प्रकार से उनको संतुष्ट करते हैं। जगह जगह उनके पंडालों में आरती की जाती है। तो ऐसे ये 10 दिवसीय जो गणेश उत्सव होता है इसका समापन होता है और इसकी जो शुरुआत है ये बुधवार से हो जाएगी। और चूंकि बुधवार से बड़े भगवान गणेश जी का ही दिन माना गया है, तो इस दिन से अगर ये शुरुआत होती है तो निश्चित तौर पर बहुत ही इसका महत्व माना गया है। प्रातः से ही देखा जाए तो शुरुआत के दिन से ही गणेश जी का आगमन हो जाता है और जैसे ही आगमन होता है जगह जगह पंडाल में झांकियां सज जाती हैं और गणेश जी कहीं कहीं अपने भाई कार्तिकेय जी के साथ में, रिद्धि सिद्धि के साथ में, अपने भगवान अपने माता पिता के साथ में अलग अलग झांकियों के रूप में जगह जगह विराजमान होते हैं और जगह जगह उनकी पूजा भक्तों के द्वारा की जाती है। पंडित जी, यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूंगी कि भगवान गणेश जो है सबसे प्रथम पूजनीय है, साथ ही भगवान गणेश की पूजन इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है, साथ ही यहाँ पे उनकी पूजा के लिए क्या क्या नियम होते हैं, किस तरह ध्यान रखना चाहिए और उनकी पूजा खास करके गणेश उत्सव के वक्त में इतनी कह सकते हैं विधि विधान से नियमों के साथ क्यों की जाती है? क्योंकि ये 10 दिन गणेश जी को समर्पित दिन होते हैं। इस समय पर जो गणेश जी का जो प्राण श्री गणेश होता है और पूजनों का श्री गणेश होता है, अर्थात कोई भी जो पूजन होती है, नियम होते हैं, ये गणेश पूजन के बाद ही पूर्ण फलदायी होते हैं। तो जैसे ही गणेश पूजा के 10 दिन के पश्चात हमारे पितरों का आगमन हो जाता है और उन पितरों की पूजा शुरू हो जाती है, तो हमारे जो 10 दिन हैं अर्थात गणेश चतुर्थी से लेकर के और अनंत चतुर्दशी तक, ये पूरे 10 दिन विशेष प्रकार की पूजा अर्चना के होते हैं। और इसमें मोदक लड्डू गणेश जी से संबंधित, चूंकि भगवान को जो भी पकवान पसंद हैं उनकी पसंद के पकवान, वस्त्र इत्यादि उनको भेंट करके और उनको रिझाया जाता है। चूंकि ये सभी वर्गों के लिए लाभकारी होते हैं। गणेश जी चूंकि सभी पूजा में प्रथम पूज्य भगवान के रूप में आए हैं और उनकी पूजा भी प्रथम पूज्य होती है और वो सभी वर्गों को फल देते हैं, एक समान फल देते हैं। जहाँ तक सौभाग्यवती स्त्रियाँ हैं उनको सौभाग्य की प्राप्ति कराते हैं, बच्चों को वो विद्या अध्ययन में उनको अग्रसर रखते हैं अर्थात विद्या भी देते हैं, उनको बुद्धि भी देने वाले हैं। तो तीक्ष्ण बुद्धि के लिए, विद्या प्राप्ति के लिए, सौभाग्य प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, गणेश जी के लिए तो सभी प्रकार के वर देना आसान है। इसलिए गणेश जी की पूजा भी उतनी ही आसान है, कोई कठिन पूजा नहीं है। तो ऐसे में ये आसान पूजा करके और ये आसानी से वर की प्राप्ति कर लेते हैं लोग। तो ऐसे में गणेश जी के लिए बच्चे बूढ़े सभी तत्पर रहते हैं पूजा करने के लिए। तो देखा जाए तो उनके निमित्त जो मोदक इत्यादि जो पकवान बनते हैं वो भी उनको प्राप्त होते हैं, घर में खुशी का वातावरण होता है। खासतौर पर बच्चे इस विधा को, इस पूजा को विशेष तौर पर अपनाते हैं, घरों में गणेश जी लाते हैं और गणेश जी को पूरे नियम के साथ में सुबह आरती, शाम को आरती और दोपहर को भोग पकवान इत्यादि लगा के प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं कि हमको हर प्रकार से विद्या और बुद्धि की प्राप्ति हो और हमारा भविष्य सुखमय हो जाए। तो इसी निमित्त पूरे 10 दिन पूजा अर्चना चलती रहती है। इस समय पर मोदक का भोग, लड्डू का भोग और दूर्वा अर्पण करना गणेश जी को विशेष फलदायी माना गया है। पंडित जी, यहाँ पे जब शुरुआत होती है गणेश उत्सव की तो पहले स्थापना होती है, स्थापना में क्या क्या नियम होते हैं, किन बातों का ध्यान रखना होता है, साथ ही अगर हम घर में स्थापित कर रहे हैं गणेश जी को तो थोड़ी पूजा अलग होती है, मुझे लगता है जब झांकी होती है तो उसको थोड़ा अलग तरीके से जो है विधि विधान होता है, तो इन दोनों में अंतर क्या आ जाता है? गणेश जी की पूजा चूंकि ये साकार रूप में होते हैं, गणेश जी जो 10 दिन के लिए हम रखते हैं झांकियों में वो साकार रूप में होते हैं। और जब हम सुपारी या अन्य उसमें अवाहित देवताओं की पूजा करते हैं, पंचदेव में गणेश जी की पूजा आती है,
तो उस समय पर हम निराकार रूप में भी पूजा कर लेते हैं। तो ये चूंकि साकार रूप में पूजा है, उनके अंग बने हुए, उनकी सूंड बनी हुई है, उनके अस्त्र शस्त्र इत्यादि सब कुछ आपने वहां पर साकार रूप की पूजा करने का संकल्प लिया है, तो ऐसे में जब हम प्रातः काल ही भगवान को गणेश चतुर्थी जी के दिन प्रातः ही अगर हम उनको आमंत्रित करते हैं और आमंत्रित करके उनको विराजमान कराते हैं, विराजमान करा के उनको विधिवत चूंकि चौकी में सभी देवताओं को बैठालना चाहिए, लकड़ी की जो गोल चौकी होती है या चौकोर चौकी होती है उसमें हमको देवताओं को विराजमान करना चाहिए। साथ ही हमको नवग्रह और खोटस मातृका, चूंकि ये 10 दिन का हमारा अखंड लगातार चलने वाला जो अनुष्ठान है, क्योंकि जो 10 दिन के जो अखंड चलने वाला कोई व्रत होता है या कोई पर्व होता है, त्योहार होता है, तो वो अनुष्ठान की श्रेणी में आ जाता है। तो ये अनुष्ठान है हमारा 10 दिन चलने वाला, तो इस अनुष्ठान में नवग्रह और वास्तुओं का देवताओं का भी स्मरण करते हैं और उनका भी आवाहन किया जाता है। लाल कपड़े में नवग्रह और सफेद कपड़े में वास्तु देवताओं का आवाहन करना चाहिए और भगवान गणेश जी की मूर्ति को बीच में स्थापित करके, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, अर्थात मिट्टी के गणेश, पहले तो गोबर के गणेश होते थे, नियम ही है, तो ये ज्यादा विशेष फलदायी होते हैं। हम किसी भी प्रकार के जो केमिकल से युक्त या अन्य विशेष धातुओं से निर्मित गणेश जी की अगर पूजा करते हैं तो विशेष फलदायी नहीं होते हैं। शास्त्रों के अनुसार मिट्टी के गणेश और गोबर के गणेश का ही उल्लेख किया गया है। तो पंडित जी, यहाँ पे मैं आपसे एक और बात जानना चाहूंगी कि जब घर में हम पूजा करते हैं या फिर आरती करते हैं तो उस वक्त में जो है अलग अलग पकवान बनते हैं, अलग अलग भोग बनते हैं। ऐसे में कई कई जगह कहा जाता है कि जो सुपारी के गणेश होते हैं उनकी भी साथ में स्थापना होती है और उनका अभिषेक किया जाता है। जावेद लोके न चरा चरानी गुल्लिम लतावर भूमिर कड़ानी और प्रकृत्याम वसांताम तान सृष्टि रूपम। ये सृष्टि का स्वरूप है। हम किसी भी वस्तु का सुपारी से लेकर के और गोबर से लेकर के और मिट्टी से लेकर के जो भी चीजें हैं उनसे हम गणेश जी की आकृति को तैयार कर सकते हैं। और जब हमारी वो आकृति तैयार हो जाती है तो उसमें गणेश जी का स्वरूप दिखने लगता है। उस स्वरूप की सभी लोग पूजा करते हैं, अर्थात तो जो भी, चाहे वो बाल हो, वृद्ध हो और योजन, सभी लोग गणेश जी की पूजा करते हैं और उनके लिए पकवान भी अर्पण करते हैं। नित्य नैवेद्य अर्थात तरह तरह के पकवान। नित्य नैवेद्य मतलब आज कोई दूसरा पकवान, कल कोई दूसरा पकवान और परसों कोई दूसरा पकवान। तो इस प्रकार से लगातार 10 दिन तक हम अलग अलग नित्य नैवेद्य भगवान को, गणेश जी को अर्पण कराते हैं। तो बब्बा जी प्रसन्न होते हैं और हमको नित्य नैवेद्य जैसे हम उनको अर्पण कराते हैं वैसे ही हमको पूरे जीवन भर, पूरे साल भर नित्य नैवेद्य प्रसाद के रूप में प्राप्त होता रहता है। बिल्कुल। यहाँ पे एक कहानी जो है बड़ी प्रचलित है, जब गणेश समय शुरू होता है तो हर कोई बच्चे जो है अपने दादा नानी सुनते हैं कि उनका जो एक दांत है वो यहाँ पर जो है टूटा हुआ है, तो वहीं जो है उनका पहले उनका सर जो था वो शिव जी ने जो है धड़ से अलग कर दिया था, उसके बाद उनको हाथी का सर लगाया गया था। तो ये कैसी कथाएं हैं? देखिए, ये तो बहुत विस्तृत कथाएं हैं और ये चूंकि भगवान शिव जी से संबंधित कथाएं हैं, माता पार्वती जी से संबंधित कथाएं हैं, और अब विस्तृत कथाओं को अगर हम थोड़ा सा संक्षिप्त में अगर कहें तो भगवान भोलेनाथ ने इनको एक गण के रूप में प्राप्त किया था, माता जी पार्वती जी ने, जी और उस गण के लिए जो कार्य बताया था भगवान भोलेनाथ के लिए कि यहाँ पर अगर कोई भी इस रनवासे में, क्योंकि जो रनवासा, जनवासा और जो स्नानवासा, अर्थात अगर वहां पर स्नान के लिए कोई वास कर रहा है तो वहां पर किसी को आने नहीं देना है, इस प्रकार से उनको संकल्पित करा दिया था, अर्थात गणेश भगवान जी की ड्यूटी लगा दी थी माता जी ने। तो उस समय पर किसी बस से अचानक देवलोक कैलाश की ओर भगवान शिव जी का आगमन हो गया उसी समय पर, लेकिन चूंकि माता जी की आज्ञा के वशीभूत होकर के गणेश जी ने भगवान शिव जी को आने से रोक दिया और भगवान शिव जी बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने यम को तत्काल त्रिशूल के रूप में आमंत्रित किया और यम के द्वारा, और जैसे ही त्रिशूल पास में और गणेश जी की गर्दन में गया और सर धड़ से अलग हो गया, चारों लोकों में त्राही त्राही मच गई। माता जी के कोप से चारों तरफ अग्नि ही अग्नि से पूरे लोग ज्वलनशील हो गए। ऐसे में ब्रह्मा विष्णु महेश सभी रुद्रगण मरुद्गण इंद्रादि देवताओं ने अनेक प्रकार से दुख व्यक्त करते हुए माता पार्वती जी को उस कोप का भागी ना बनने हेतु बार बार प्रार्थना की।
फिर सभी ने निर्णय लिया कि अगर कोई हस्तिनी, अगर कोई जीव, जो भी माँ अपने पीठ किए हुए बच्चे की तरफ लेट करके लेटी हो, उसका सर लेकर के और बच्चे को लगा दिया जाएगा। ऐसा करके भगवान शिव ने अपना चक्र, भगवान विष्णु जी ने अपना चक्र सुदर्शन छोड़ा और वह चक्र सुदर्शन एक हाथी के बच्चे का गला लेकर के आया। और उस समय पर जो हमारे सुष्णु वैद्य इत्यादि थे, जिन्होंने जो नाड़ी विशेषज्ञ थे, जो आसल्य क्रिया विशेषज्ञ करते थे, उन्होंने उनको बढ़िया विधिवत उसको ऑपरेशन जोड़ा और जोड़ करके और उनको प्राण फूंके, और प्राण फूंक करके जैसे ही उनका स्वरूप एक हाथी के रूप में आया, अर्थात जो सूर इत्यादि के रूप में आया, तो माता जी को और ज्यादा दुख की प्राप्ति हुई। तो ऐसे में सभी देवताओं को उन्हें घबरा करके और ये बोला कि ये प्रथम पूज्य होंगे, इनके बिना पूजन के हमारे पूजन का कोई औचित्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार का पूजन करने के पूर्व भगवान गणेश जी का पूजन करने से ही उस पूजन की पूर्णाहुति होगी। ऐसा जब विचार हुआ तब किसी प्रकार से उनको फिर से माता पार्वती जी के कोप से उनको मुक्ति प्राप्त हुई। तो ऐसे ये गणेश जी का ये स्वरूप बना और उनके जो दांत टूटने की घटनाएं हैं, तो ये भी अनेक प्रकार से ऐसी कई इसमें इसमें पंडित जी दो कहानियां हमने सुनी है कि एक बार तो है जो उनके युद्ध के वक्त में जो है उनका दांत जो है टूट जाता है, और दूसरा हमने सुना कि जब वो भगवद गीता लिख रहे थे या जब वो लिख रहे थे उस वक्त में जो है उन्होंने कलम की, जब कलम खत्म हो गई थी तो उन्होंने अपने दांत को तोड़कर जो उससे लिखा था। तो दोनों कथाएं अलग अलग हैं। ये तो चूंकि कथाएं तो बहुत सारी हैं, किंवदंतियां हैं, ये दरअसल लघु कथाएं हैं। तो गणेश जी के विषय में बहुत सारी कथाएं हैं, चूंकि ये आदि देव हैं और हर युग में वो रहे हैं। चूंकि जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति थी तो भी गणेश जी थे, और विष्णु जी की जब उत्पत्ति हुई तो भी गणेश जी थे। तो चूंकि आदि देव के पुत्र माने गए हैं ये, और ये अनादि देव माने गए हैं, इनसे भी बड़ा देव नहीं, तो इनकी किंवदंतियां बहुत ज्यादा हैं। मतलब कहते हैं कि इनका गिरने से भी दांत टूट गया, कहते हैं कि इसमें मुष्टक का प्रहार कर दिया इसलिए दांत टूट गया, दुर्वासा ऋषि ने भी प्रभाव दिया, चंद्रमा के कारण भी इनके दांत की स्थितियां अलग हुई, चंद्रमा को भी इन्होंने श्राप दिया था। देखी जाए तो चतुर्थी का चंद्रमा, एक बात और याद आ गई, ये चतुर्थी का चंद्रमा को निहारने से कलंक लगता है, तो इस दिन चंद्र दर्शन भी निषेध माना गया है जी। पंडित जी यहाँ पे पूजा जो होती है गणेश जी की, हमने जानी किस तरह से होती है, ऐसे में कुछ चीजें हैं जो अलग अलग दिन होती हैं, जैसे कि यज्ञ जो है वो कहते हैं कि कुछ लोग 11 दिन बिठाते हैं, कुछ लोग 10 दिन बिठाते हैं, तो कोई लोग, कुछ लोग हैं जो 7 दिन के अंदर ही जो है विसर्जन कर देते हैं। तो ऐसे में अलग अलग दिन किस तरह पूजा होती है, पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक या पहले दिन से लेकर 11वें दिन तक जो पूजा होती है उनकी विधि क्या होती है? यस्मिन कस्मिन दिने मर्त्यो, भक्ति श्रद्धा समन्वितः, भक्ति और श्रद्धा के साथ समावित होकर के किसी भी व्रत का हम कार्य जब करते हैं, तो उसका जो प्रारंभ करते हैं वो हम गणेश जी कितने दिन के लिए बिठाल रहे हैं वो संकल्पित कर लेते हैं, कि हम ये 5 दिवसीय गणेश जी हैं, कि 7 दिवसीय गणेश जी हैं, कि एकादिवसीय गणेश जी हैं। तो ऐसे जो हम 10 दिवसीय गणेश उत्सव करते हैं तो उसका निश्चित कर लेते हैं कि हमारे ये कितने दिवसीय गणेश जी हैं। और चूंकि अब ये समितियां और हम अपने घर में अपने समय के अनुकूलता के हिसाब से हम गणेश जी का आगमन और उनके विदाई की बेला तय कर लेते हैं, क्योंकि एक दिन का ही जो पूजन अर्पण है वो भी आपको उतनी ही खुशी और प्रसन्नता देता है जितना 10 दिन आप पूजन अर्चन करके करते हैं। तो इसमें लगातार जैसे पहले दिन जब आप पूजा करते हैं तो आपको रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है, दूसरे दिन आपको धन धान की प्राप्ति होती है, तीसरे दिन संतति सौभाग्य की प्राप्ति होती है, चौथे दिन आरोग्य की प्राप्ति होती है, पांचवें दिन आयु से संबंधित प्राप्ति होती है, छठवें दिन निरोगता से संबंधित आपकी जो तो प्राप्ति होती है, सातवें दिन सप्तम मतलब पत्नी संबंधी है और बहुत अच्छी सुंदर पति की प्राप्ति होती है, अष्टमें दिन आपको आयु की प्राप्ति हो जाती है, नौवें दिन आपके भाग्य बल में वृद्धि हो जाती है, और दसवें दिन राज्याधिकार प्राप्त हो जाता है, और एकादश लाभ ही लाभ हो जाता है, सभी प्रकार के लाभ भगवान गणेश जी की कृपा से प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसे 10 दिन की पूजा में हम 10 प्रकार के दशाधिकार प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए हमको 10 दिन की पूजा करनी चाहिए। बिल्कुल पंडित जी, एक मैंने हम लोग काफी सी सुनते आए हैं बचपन से, ऐसे में एक चीज और सुनी है कि जब हम शिव जी की पूजा करते हैं तो हमें जब कोई बात बोलनी होती है तो हम नंदी जी के कान में वो बात बोल देते हैं। ऐसे में कहा जाता है गणेश जी को अगर कुछ बात पहुंचानी है तो मूषक के कान में वो बात कह दो, तो क्या ये बात सच है कि ऐसा करते हैं लोग?
ये चूंकि किंवदंतियां हैं और हर किंवदंती का एक अपना अपना धार्मिक महत्व है, और ऐसा माना गया है कि हमारी जो ये तरंगे हैं ये कहीं ना कहीं जो टेलीपैथी है वो काम करती है। तो कहीं ना कहीं हम किसी के मन मस्तिष्क से उखड़ कर, चूंकि जो मूषक का रूप है वो भगवान गणेश जी के बहुत ही कहा जाए कि उनका जो मन मस्तिष्क से वो जुड़ा हुआ है। एक हम चित्तम दूजम चित्तम अस्ति, अर्थात एक दूसरे के चित्त में दूसरे का चित्त बना हुआ है। तो हम किसी भी भगवान की जब पूजा करते हैं तो उनके वाहन को, अर्थात जैसे कहा जाए ना कि किसी के अंग रक्षक को आप पटा लीजिए, उसके वाहन को आप देख लीजिए, उसके द्वारा आप खबर भिजवाइए, तो ये पीए का रूप होते हैं। जैसे किसी वीआईपी का पीए होता है, उसी प्रकार जैसे भगवान भोलेनाथ के पीए होते हैं वो नंदीसुर हैं, तो हम वहां पर कान में नंदीसुर के कुछ ना कुछ बोलते हैं। और इसी प्रकार से गणेश जी के हैं पीए, वो मूषक होते हैं तो उनके कान में भी जाके कुछ ना कुछ बोलते हैं। ऐसे इनके पीए को अगर हम डायरेक्ट ना बोल करके इनके द्वारा हम अगर कोई चीज भेजाते हैं तो वो एक अति संयुक्ति नहीं होती है, और वो आसानी से उनकी भाषा में, सुसंस्कृत भाषा में वहां पर पहुंच जाती है। क्योंकि जो वाहन और पिये होते हैं वो हर प्रकार की जो भाषा है आपकी वो ट्रांसलेट कर देते हैं, वो मन के भाव आपके जान लेते हैं कि आपकी इस एप्लीकेशन में कितना वजन है, आपने कैसी निश्वास छोड़ करके और श्वासोत्तरेण, आपके श्वासों के अंदर से जो कान में उनके जो भाषा जाती है उसमें कितना द्रवित होने का अवसर है, वो कितने द्रवता के साथ गई है वो बात, और आप उसकी इच्छा कितनी है आपको प्राप्ति की, कि ये जो आपने संकल्प लिया है या जो कान में कुछ बोला है उस प्राप्ति की कितनी इच्छा है, उस इच्छा की शक्ति के आधार पे वहां पर वो आपका प्रमाण पहुंच जाता है भगवान के पास में उनके द्वारा। और वो प्रमाण चूंकि उनके द्वारा पहुंचता है इसलिए ये निश्चित तौर पर फलदायी होता है, और कहते हैं कि जब भी आप कोई कान में बात बोलो इसीलिए वो निश्चित तौर पर वो मनोकामना पूर्ण होती है, क्योंकि वो स्वयं उनके द्वारा ही जाती है जो उनके खासम खास हैं, अर्थात भगवान भोलेनाथ के जैसे नंदीश्वर हो गए और गणेश जी बब्बा के हो गए, चूहा देव तो मूषक जी हो गए। तो ऐसे में इन दोनों के लिए तो ये विशेष, मतलब कहने के लिए ये किंवदंती है, लेकिन फिर भी लोगों का इसमें भला होते देखा गया है। बिल्कुल पंडित जी, जो भगवान गणेश का रूप है ये काफी विचित्र माना गया है। एक उनका जो सर है वो हाथी का है, इसके बाद उनका पेट जो है इतना बड़ा है, साथ ही हाथ में मोदक है, तो एक हाथ में जो है वे अस्त्र लिए हुए हैं, दूसरा उनका वाहन जो है वो बहुत छोटा सा मूषक है। तो इनका जो ये स्वरूप है ये क्या कहता है, क्या सिखाता है हमें, क्या इशारा देता है ये? देखिए, बुद्धि से बड़ा कुछ नहीं होता है, यहाँ पर सिर्फ बुद्धि का ही दर्शन कराया गया है। और चूंकि भगवान गणेश जी को सबसे ज्यादा बुद्धिमान माना गया है और सबसे ज्यादा वो बुद्धि के दाता हैं, और देखा जाए तो उन्होंने अपने इस मूषक वाहन में भी तीनों लोकों की परिक्रमा कर ली थी, और कार्तिकेय जी मयूर का वाहन होते हुए भी तीनों लोकों की परिक्रमा नहीं कर पाए थे। तो उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके जो ये परिक्रमा की थी, और मूषक ने ही ये उनकी बुद्धि में बहुत सारे तार डाल दिए थे, और चूंकि जो प्रेरणा दी थी कि माता पिता भी तीनों लोकों के समान होते हैं, तो इसलिए मूषक को उन्होंने अपनाया था और उसको अपना वाहन बना करके और उसको हर समय पर पूजनीय बना दिया। बिल्कुल यहाँ पे एक और चीज मैं आप जानना चाहूंगी कि भगवान, जैसे कि भगवान गणेश को कई सारे भोग लगते हैं, ऐसे में पत्तों का भी उन्हें अलग से, मतलब कहा जाता है कि पान के पत्ते चढ़ाए जाते हैं, यहाँ पर केले के पत्ते में पूजा की जाती है, तो उनका जो सिंहासन होता है उसे किस तरह से रखा जाता है, सिंहासन में क्या नियम होते हैं रखने के, साथ ही कई सारी जगह कलश रखा जाता है, कई जगह चावल रखे जाते हैं, कई जगह नवग्रह बनाए जाते हैं, तो ये किस तरह से पूजा पाठ की विधियाँ होती हैं? क्योंकि अगर आप 10 दिन के लिए संकल्प लेते हैं और 10 दिन का ये गणेश उत्सव मना रहे हैं, तो उस समय पर नवग्रह और वास्तु देवताओं का आगमन आवश्यक होता है, क्योंकि ये अनुष्ठान में तब्दील हो जाता था, अनुष्ठान कहलाता है, और कोई भी अनुष्ठान में नवग्रह और वास्तुओं का होना अनिवार्य है। तो अगर आप कुछ समय के लिए करते हैं इनके भोग के लिए, लड्डुन का पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, और लड़ुवन के भोग लगे संत करें सेवा, चूंकि ये प्रथम देव हैं, भगवान से लेकर के सभी आराध्य देवता, जितने भी देवता धामी हैं और जितने भी साधु संत महात्मा ऋषि मुनि हैं, ये गणेश जी की सेवा में लगे रहते हैं, क्योंकि वो आदि देवते हैं, अनादि देवता हैं।
तो इसलिए इनको पान फूल दूर्वा प्रसाद मिष्ठान जो भी कुछ है सब कुछ जो है तो लेते आइए, सब कुछ ये जो है तो अर्पण इनको करिए, सबका ये फल देते हैं और सब कुछ अर्पण करने से ये प्रसन्न होते हैं। तो आप अपनी श्रद्धा और भक्ति के साथ में निश्चित तौर पर उनके ऊपर पूर्ण विश्वास के साथ भगवान का पूजन अर्पण करके जब ये सब नैवेद्य अर्पण करते हैं, चाहे वो पत्रम पुष्पम लतम तोयम कुछ भी हो, तो वो भगवान गणेश जी प्रसन्न हो जाते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे कई सारी कथाओं के साथ साथ जो है हवन का भी काफी महत्व बताया गया है। और ऐसे में जब भगवान गणेश की पूजा होती है तो कहते हैं कि यहाँ पर पति पत्नी जो है साथ बैठ के हवन करते हैं, साथ ही जो लोग कन्याएं हैं या फिर बालक हैं जो घर में पूजा करते हैं तो उनसे भी हवन छुड़ाया जाता है कि वो भी जो है सुबह शाम में एक बार जो है जरूर हवन करें। तो ऐसे में ये जो यज्ञ होता है, ये अंतिम दिन जो होता है वो क्या होता है, साथ ही जो रोज किया जाता है, जो होम छोड़ा जाता है वो क्या होता है? एक आहुतियां होती है, एक होती है पूर्णाहुति। तो जो आहुति होती है वो प्रतिदिन नैवेद्य और भोगन प्रसाद के लिए जो भी हमारे ऋषिगण हैं, देवता हैं, या जो भी हमारे आवाहित प्रतिष्ठित देवता हैं जो वहां पर आए हुए हैं, उनके लिए वो नित्य हवन की पद्धति होती है। उसको हवन बोलते हैं, उसको आहुति बोलते हैं। उस आहुति का हव्य ग्रहण करके हमारे जो देवता हैं, ऋषि मुनि हैं, वो वहां पर रहे आते हैं। मतलब वो नित्य प्रति भोग की आहुति कहलाती है। और पूर्णाहुति वो कहलाती है जो अंतिम दिवस पर की जाती है, उसको पूर्णाहुति बोलते हैं। अर्थात ये इस दिन भंडारा हो गया और पूर्णाहुति हो गई, विदाई की बेला के समय पर सभी प्रकार के देवता धामियों को जो भी ऋषि मुनि गण हैं उनके साथ में आमंत्रित होते हैं। क्योंकि गणेश जी का ये समारोह चल रहा है तो उस समय पे गणेश जी के समारोह में पंडाल में सब कोई प्रसाद ग्रहण करने आता है। सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में देवता अपना अनेक प्रकार के भेष धारण करके ऋषि मुनि साधु संत महात्मा आते हैं। तो ऐसे में उनको पूर्णाहुति के द्वारा सबको प्रसन्न किया जाता है और पूर्णाहुति की जाती है। तो उस समय पर का जो यज्ञ होता है वो पूर्णाहुति होती है, और जो दैनिक आहुतियां दी जाती हैं वो आहुतियां कहलाती हैं, वो दैनिक जो है तो नित्य भोग के रूप में होती हैं। बिल्कुल पंडित जी, यहाँ पे एक अंतिम सवाल मेरा रहेगा आपसे कि जिस तरह से विदाई होती है जब गणेश जी की, तो कहते हैं कि अगले वर्ष जल्दी आना, तो ऐसे में जो विदाई के वक्त की जो विधि होती है, जैसे जब कोई सराहने जाता है गणेश जी को तो उस वक्त पूजा पाठ क्या होती है? साथ ही कई जगह तो जो है बाले भी लगाई जाती हैं, कई जगह जो है भगवान गणेश को जो है अलग अलग तरीके से जो है विदा किया जाता है, तो ऐसे में और कहते हैं कि जो मूर्ति होती है कई जगह जब घर में मूर्ति रखाती है तो उसे 1 साल बाद चलाया जाता है, ये भी एक मिथ सुनने मिला है कई बार कि ये जो प्रतिमा है ये भी नहीं, ये अगले साल जाएगी, और जो अगली प्रतिमा आएगी वो हमारे साथ साल भर रहेगी, तो ये किस तरह की बातें हैं? ये कोई सिद्धांतता किसी वेद शास्त्र या उसमें वर्णित नहीं है। ये अपने अपने संकल्प के अनुसार कोई साल भर रखता है, कोई 2 साल रखता है, कोई 5 साल उस मूर्ति को रखता है। तो ये अपने संकल्प के अनुसार ये स्वतः अपना संकल्प किया हुआ होता है, ना कि कोई इसका ऐसे विधान नहीं है कि आप अगले साल इसको मूर्ति को विसर्जन करें फिर उसको अगले साल विसर्जन करें। वैसे भी कोई पूजा की मूर्ति जिस दिन आवाहन होता है और उसकी प्रतिष्ठा होने के बाद जिस समय उसका विसर्जन होता है, यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय मामकीं इष्टकाल संसिद्ध्यर्थं पुनरागमनाय च। अर्थात आप हमारे इष्ट कार्यों को सफल करने के बाद आप पुनरागमनाय च, मतलब फिर से आप आए, अर्थात गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तू जल्दी आ। अर्थात हमको सबको प्रतीक्षा है, ये भावपूर्ण विदाई की बेला कहलाती है। ये ऐसी विदाई है जिस समय पर आप 10 दिन से भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना नित्य नए संगीत मिष्ठान वस्त्रादि से उनको हर प्रकार से आप अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अपनी ओर आप देखते हैं कि भगवान कैसे प्रसन्न हो जाएं। 10 दिन भगवान आपके साथ में रहते हैं, बब्बा जब आपके साथ में 10 दिन के बाद जब विदाई की बेला होती है तो बहुत ही भावुक पल होता है। ऐसे में वो कहते हैं, जितने भी भक्त हैं वो कहते हैं कि हे बप्पा तू जल्दी आ, अगली बरस तू जल्दी आ जा, मतलब हमको पता ही न चले और बरस का जो है तो दूसरा जो गणेश चतुर्थी है वो पहले ही जल्दी से आ जाए। ऐसे वो बार बार ऐसे कई प्रकार की बातें हैं जो गणेश जी से संबंधित हैं। तो ये अपने जो है तो स्नेह में बोलते हैं, स्नेह विश्वास श्रद्धा के साथ में अनेक प्रकार से बब्बा जी को, तो चूंकि बालक से लेकर के बूढ़े जवान सभी एक समान प्यार करते हैं, और बब्बा जी की पूजा भी सभी लोग एक समान करते हैं, और बब्बा जी वरदान भी सभी को एक समान देते हैं। तो इसमें नर नारी और ऐसे कोई वो नहीं है कि नर नारी और कोई बच्चा या कोई बड़ा बूढ़ा, ऐसा कोई अंतर नहीं है। गणेश जी को सभी प्रकार से सभी प्रकार की आयु वर्ग के प्राणी
पूजन करते हैं, इसलिए सभी प्रकार से उनका मनोरथ पूर्ण होता है। तो ऐसे में हम सबको गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। बिल्कुल, तो बहुत धन्यवाद पंडित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कहा जाए तो गणपति बाबा मोरिया, और बिल्कुल इस बार गणेश उत्सव जो है हंसी खुशी मनाइए। साथ ही यहाँ पर जो है भगवान गणेश जो है बुद्धि के दाता हैं, धन के दाता हैं। साथ ही जो है आपके जीवन में कोई भी कष्ट होता है, कहते हैं साल भर जो कष्ट होते हैं, अगर आप इन 7 दिनों में या 11 दिनों में जब भगवान गणेश से कह देते हो या उनकी सेवा करते हो तो ये सभी जो है मिट जाते हैं। तो हमने आज जाना कि किस तरीके से आप भगवान गणेश को इस गणेश उत्सव में प्रसन्न कर सकते हैं। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।